जी बिल्कुल, राशिद अभी तक तो अवेलेबल है। आपने अंतिम डेविड को भूल गए जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया के मेन बैटिंग उनका ऑलराउंडर में आ गए। आप फिल सॉल्ट को भूल गए जिन्होंने सिंगल हैंडेडली यहाँ पे क्राफी स्टेडियम में पिछला जो लास्ट मैचेस था इंग्लैंड के साथ उन्होंने सीरीज विन करने में अहम किरदार अदा किया। उसके बाद टॉम बेंटन ने, और ये फिल सॉल्ट जो है ये 2018 में, इकबाल भी आपको याद होगा कि हमारे सुहेल अख्तर की क्यादत में ये ऑस्ट्रेलिया में हमारे डेवलपमेंट स्क्वाड का हिस्सा भी थे। तो इंशाल्लाह इस दफा जो तैयारियां भरपूर है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर, जो ग्राउंड में जब उतरेंगे तो अपने फैंस को जो है वो भरपूर तरीके से उनको एंटरटेन करें। सिकंदर रजा का नाम भी आपके स्क्वाड में शामिल था, सियालकोट में पैदा होने वाले जिम्बाब्वे के बैट्समैन, क्या वो अवेलेबल होंगे सिकंदर रजा? जी इकबाल भाई, अभी तक तो सारे अवेलेबल है, मोस्टली वो एक हमारे इंग्लिश प्लेयर है जो शायद वो उनको भी इंग्लैंड लॉयंस में जो ए टीम है उनको कॉल ऑन कर लिया गया हमारे सिलेक्शन बाद, और वो शायद एक दो मैचेस शुरू के मिस करें, बाकी तो इंशाल्लाह सारी टीम अवेलेबल। हाँ, आपने जमान खान जो है वो सामने आया जिस तरह मैं हारिस रऊफ की बात कर रहा था, फिर कामरान गुलाम को आप लोगों ने अपनी टीम में रखा, अब्दुल्ला शफीक, ये सारे जो टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, कितना आप प्राउड फील करते हैं आतिफ राणा साहब के लाहौर कलंदर्स पाकिस्तान की क्रिकेट में आप लोगों की कोशिशों और काबिशों की वजह से उसकी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है? इकबाल भाई, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए काम के, जिस काम का हमने बेड़ा उठाया था जिसकी वजह से हमने ये फ्रेंचाइज ली थी कि हमने पाकिस्तानी नौजवानों को अंगेज करना है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है, बेबात बताने को आबाद करना है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहाँ पे यंग पाकिस्तान का टैलेंट सामने आ सके। शाहीन अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, फखर जमान हो, अभी आपने जिक्र किया इसका उस्मान खान का, कामरान गुलाम 2017 में हमारे डेवलपमेंट का हिस्सा था, सिंडी की टीम से ही खेलते थे, इस तरह अब्दुल्ला शफीक है, इस तरह सलमान अली आगा को आपने देखा, इसी तरह तो दिलबर हुसैन है जो भी पाकिस्तान क्रिकेट का दस्तक दे रहे हैं, इस तरह अहमद दानियाल है, वो एक लंबी फहरिस्त है इकबाल भाई, और बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि जिस चीज पे हमने भरोसा किया था कि पाकिस्तान की यूथ के ऊपर भरोसा किया था और उस यूथ ने डिलीवर किया, और ये बात तक हुई कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जर के।